जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के मालवा मैदान में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके संबोधन में भाजपा और शीर्ष नेता निशाने पर रहे। उन्होंने पहले चरण में हुए मतदान में झारखंड के 43 सीट में से 28 सीट पर जीत का दावा किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हो रहा, बल्कि घुसपैठ गुजरात के व्यापारियों का हो रहा जो झारखंड की संपत्ति को लूटना चाहते हैं। 3 लाख करोड़ रुपया ये रखे हुआ शिक्षा दी सहारा का पैसा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 27 तारीख को पहला अनाज होगा बापू का, झारखंड के 3 करोड़ जनता का पैसा वापस होगा। और सहारा का पैसा जिस जिस जान का जिस माँ का बाकी है, बापू यादव अपने माँ का पैसा सूद और ब्याज सहित तो पाएगा। मैं बस हेमंत के लिए आया हूं, मैं उनके लिए नहीं आया। अब इनको आप यदि जिताओगे तो हेमंत जिंदा रहेगा, इनको हराओगे तो नरेंद्र मोदी जी और हेमंत बिस्वा गुंडा और अमित शाह जी अदानी अमानी जो 500 गिद है आएगा और आदिवासी की इतिहास को मिटाना शुरू कर। यदि आपको आदिवासी दलित का इतिहास जिंदा रखना तो आपको हेमंत को जो आपका सबसे निहायत इंसान है उससे मोहब्बत करें, और यदि उससे मोहब्बत करना है तो इरफान मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम को फॉलो करता है, मुसलमान को नहीं। 3 लाख। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व सरमा ने धनबाद में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा के लिए समर्थन मांगा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को नमाज की परंपरा बंद कर मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ की इजाजत विधानसभा में मिलनी चाहिए। सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ से करोड़ रुपए जब्त होते हैं और कांग्रेस उनकी पत्नी को टिकट देती है। इरफान सीता सोरेन पर आपत्तिजनक बयान देते हैं तो हेमंत को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। घुसपैठियों से संताल भर चुका है, कोर्ट के आदेश के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए बीजेपी को वोट दें। मेरा नहीं लगता है कि मुझको धंधा आना है, लेकिन साल महीना हम लोग झारखंड में ही हूँ, एक बार धंधा नहीं आने से ये पूरा यात्रा इनकम्प्लीट ऐसा होते थे, तो इसीलिए आपका प्यार आपका मोहब्बत और आपका आशीर्वाद के लिए आज मैं धनबाद में आया हूँ। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये चुनाव धनबाद का नहीं है, ये चुनाव झरिया का भी नहीं है, ये चुनाव हमारे झारखंड का भी नहीं है, ये चुनाव हमारा देश का भविष्य का साथ जुड़ा हुए है। अगर हम लोग नहीं